हाँ जी, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम जिस ट्रेलर का रिव्यू करेंगे उसका नाम है जी जोकर 2, जिसकी कि आते ही धमाल मच गई है, लोग इसके बारे में बात करना स्टार्ट कर दिया है। तो देखिए, ऐसी जो मूवीज़ होती है ना हॉलीवुड की, और स्पेशली इस टॉपिक पे जो साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स होते हैं, तो वैसे थ्रिलर्स को, साइकोलॉजी को समझने के लिए ना आपको वैसा दिमाग चाहिए। क्योंकि होते हैं ना यार, दो तरह के लोग होते हैं। अगर आप आर्ट गैलरी में भी जाओ, अगर आप एक आर्ट को भी देखते हो, तो एक तो ऐसे लोग होते हैं कि यार आर्ट देखा, चलो आगे चले गए, उनको कुछ समझ नहीं आता कि यार क्या ये रंगों का मिक्सचर है या क्या इस आर्ट के अंदर जो आर्टिस्ट है वो कहना चाहता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो दिमाग लगाते हैं, क्योंकि आर्टिस्ट की जो मेन भावनाएँ हैं ना वो ढूंढने की कोशिश करते हैं कि यार क्या ही इसमें कहना चाहता है आर्टिस्ट। वैसे ही कुछ ऐसी मूवीज़ बनती हैं, जिनमें से एक थी जोकर। जोकर हम सब ने देखा था कि पहली मूवी के अंदर उसको एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो कहीं भी हंसने लग जाता है, फिर उसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे हावी होती हैं, कैसे वो अपनी माँ का कत्ल करता है, जिसे वो मानता है कि जिसकी वो नाजायज औलाद है थॉमस, उसके कैसे उसके साथ दुश्मनी पड़ती है और कैसे उसको वो मारता है और कितने सारे और लोगों का भी कत्ल करता है। तो ये पूरी मूवी जो है जिसमें आपको डर भी लगता है और एक विलन के साथ आपकी सिंपथी भी होती है, मतलब एक विलन ही इस मूवी का हीरो भी है। तो जोकर 2 के अंदर दिखाया गया कि जोकर जो है जेल के अंदर है वो बहुत ही उदास है। फिर एक उसके पास लड़की आती है जो कि इस बार प्ले करेगी लेडी गागा, वो उसके साथ कैदी है या फिर वो एक ऑडियंस के रूप में आई है, क्योंकि जेल के अंदर शायद कुछ शोज़ होते हैं जहां पे एक डायलॉग ये भी है कि इस बार कोई तू जोक नहीं सुनाएगा। मतलब कि एक ऐसे इंसान की कहानी है कि जो अपनी ही दुनिया के अंदर खोया हुआ है और जो कि अपनी ही तरह से दुनिया को देखता और सोचता है कि यार उसे लगता है कि शायद उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सबकी प्रॉब्लम्स हैं और उसे वो सॉल्व करना चाहता है। फिर वो जेल से कैसे वो स्टेज पे परफॉर्म करता हुआ दिखता है लेडी गागा के साथ, तो ये तो कहानी देखेंगे तभी पता चलेगा। पर हो सकता है कि किसी की रिक्वेस्ट पे उसे वो शो मिला हो, या फिर ये जो पूरी की पूरी कहानी है पार्ट 2 की, ये उसकी हेलुसिनेशन हो। हेलुसिनेशन से मतलब कि उसे ऐसा लगता हो कि ऐसा हो रहा है, लेकिन असल में ऐसा हो ही ना रहा हो, कि ये सारी कहानी उसकी एक इमेजिनेशन हो जेल के अंदर। क्योंकि उन्हें पता उसने इतने ज़्यादा कत्ल कर लिए हैं, तो ऑब्वियसली जेल तो वो जाएगा ही, तो वो देखने वाली बात होगी। पर ऐसी मूवीज़ को समझने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि ये मूवीज़ जो है ना एक तरह से आर्टिस्ट की पेंटिंग की तरह होती हैं, जैसे समझने के लिए थोड़ा दिमाग चाहिए। पिछली बार इस मूवी का बजट था शायद 20 मिलियन के आसपास ये मूवी बनी थी, और इस बार जो इसका बजट है वो 100 मिलियन के आसपास होगा ऐसा सुनने में आ रहा है। बाकी जहां तक बात करें एक्टिंग की, तो भाई साहब ये जो बंदा है वकीन फिनिक्स, जिसने आर्थर का जो रोल अदा किया है जो कि हमारा जोकर है, इसकी एक्टिंग तो आपको पता ही, ऑस्कर विनर है, तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। बाकी जो इस फिल्म की टैगलाइन है फ्रेंच के अंदर है फोली अद, मैं शायद सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ नहीं मुझे नहीं पता, पर जिसका मतलब होता है कि एक तरह से बीमारी है शायद, ये ड्यूअलिटी कह लीजिए कि दो चीज़ें दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं। एक सीन में हमें देखा भी कि जोकर का पीछा जोकर कर रहा है, तो हो सकता है कि जोकर को ये सब बातें उसकी हेलुसिनेशन यानी कि उसके इमेजिनेशन के अंदर ही दिख रही हों, क्योंकि फोले अद वैसी कुछ बीमारी होती भी है। तो देखने वाली बात होगी कि ये मूवी कैसा परफॉर्म करती है। फिर हमने देखा है कि पार्ट 1 मूवीज़ का बहुत बढ़िया बनता है, लेकिन पार्ट 2 के अंदर वो मूवीज़ जो हैं काफ़ी लैग करती हैं, तो ये तो देखने वाली बात होगी। बाकी आपको ये ट्रेलर देख के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो भाई, थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। और बाकी चलिए जी, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, टेक केयर, गुड बाय, रब रखा, एंड कीप सपोर्टिंग द चैनल।